टीकमगढ़ पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस अधीक्षक मनोहर सिंह मंडलोई के नेतृत्व में जिला टीकमगढ़ के यातायात व्यवस्था में सुधार हेतु एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के व्यापारी, न्याय अधिवक्ता, पत्रकार और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने शहर यातायात व्यवस्था सुधार को लेकर अपने अपने विचार व्यक्त किए। टीकमगढ़ से मनोज खरे की रिपोर्ट। जो ढोंगा पर है, भारी वाहन जाते हैं गृहस्थी वाले रास्ते से, उसके संबंध में आपके द्वारा चर्चा की गई। नजाई सब्जी मंडी, इसके बाहर जो ट्रैफिक ब्लॉकेज हो रहा है, जो फ्रूट सब्जी मंडी लगती है, वहां पे रहने वाले लोग रोड पे जो जगह है, जो खट्टा डाल के बैठे, 200-200 रुपया पर डे के हिसाब से 10-12 हजार रुपए महीने सामने बैठाते हैं, भी कहते हमें काटन है, हमें तो पीछे मिल रहा है। तो वहां नगर पालिका के द्वारा नोटिस भी जारी करेगा लोगों को, आप लोग हटा पशु अस्पताल की बाउंड्री से लग गई, लगातार नाली का अतिक्रमण हो गया लोगों ने। वेलकम करता हूं और ये कहना चाहूंगा कि डे वन से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ की यातायात व्यवस्था सरल और सुगम बने, तब से लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। इसी तारतम्य में आज ये बैठक रखी गई है। आज हमारे साथ में SDM साहब, PWD के अधिकारी, नगर पालिका के अधिकारी, पार्षदगण, अभिभाषक संघ, पत्रकार बंधु, हम सभी लोगों ने मिलकर इस पर चर्चा की। आप लोगों ने जो सजेशन दिए बहुत ही अच्छे सजेशन है, और जैसा मैंने बताया कि ये सबसे बड़ी समस्या सर दुर्घटना है, नाबालिग बच्चों के द्वारा ज्यादा दुर्घटनाएं की जाती है, तो स्कूल के माध्यम से उन्हें जागरूक किया जाए। ये दुकानदारों की जिम्मेवारी है कि कोई ग्राहक जाता है तो सामने उनकी पार्किंग हो जाती है और पार्किंग करते से वो मना नहीं किया जाता है, इस वजह से सर वो ग्राहक जो शहर में, एक तो बैंक रजिस्टर है सर, पुराना शहर है शहर की, ट्रैफिक व्यवस्था को और कैसे बेहतर बनाए और कैसे सुगम बनाए और कैसे सुचारू बनाए, ये सिर्फ पुलिस का ही दायित्व नहीं है, हम सबका नागरिक जिम्मेदारी भी है कि शहर की यातायात व्यवस्था अच्छी हो। इन सब में जैसे PWD के बैठे हैं, नगर पालिका बैठे हैं, पार्षदगण बैठे हैं, और भी जनप्रतिनिधि बैठे हैं, माननीय वकील साहब भी बैठे हैं, पत्रकार बंधु भी बैठे हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इसको बेटर और कैसे हम करें कि यहाँ की यातायात व्यवस्था अच्छी हो जाए, सुरक्षित हो जाए, सुचारू रहे और किसी को दिक्कत परेशानी का सामना न करना पड़े। तो मैं आप सभी लोगों से सजेशन चाहूँगा कि आप बताएं कि यातायात व्यवस्था को कैसे हम बहुत अच्छा, सरल और सुगम बनाएं। नागरिक जिम्मेदारी नहीं दे पाएंगे तब तक ट्रैफिक को रेगुलेट करना पुलिस के लिए चैलेंजेबल रहेगा। जो जो इशू पुलिस से संबंधित है, मैं ट्रैफिक प्रभारी को ऐसा निर्देश देना चाहूँगा कि वो उनका इम्प्लीमेंटेशन आज से ही चालू कर दे। जैसे बसों की चेकिंग, स्कूल बसों की चेकिंग वगैरह है, तो ये बहुत ही सेंसेबल मुद्दा है और इसमें ज़रूर चेक करना चाहिए। कल परसों एक फोटो भी देखा था हमने, जो ऑटो में बैठे हुए बच्चे पीछे बैठे हुए जा रहे थे, तो ऐसी चीज़ों को हमको रोकना भी है, चेक भी करना है, कंट्रोल करना है। और जो सजेशन आपने दिए हैं, जितने लोग जुड़े हैं ट्रैफिक व्यवस्था से, अभी हमारी और भी मीटिंग होगी अधिकारियों के साथ में, तो हम लोग ऐसा प्रयास करेंगे कि यहाँ का यातायात व्यवस्था अच्छी हो और उसमें जनता की भी भागीदारी हो। और हम लोगों ने अलग अलग प्लान कर रखे हैं, इसमें अभी स्टेट हाईवे अथॉरिटी और नेशनल हाईवे अथॉरिटी से भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं और डिमार्केशन का भी प्रयास कर रहे हैं। यदि वो चीज़ करा लेंगे तो उससे भी काफ़ी फर्क पड़ेगा। जो जो आप लोगों ने सजेशन दिए उस पर विभागवार हम लोग समीक्षा करके आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि ये जल्दी से जल्दी हम लोग इस पर काम करके ट्रैफिक व्यवस्था को सरल और सुगम बनाए। मैं फिर यही अपील और अनुरोध करूंगा कि जब तक जनता इसमें साथ नहीं देंगे, पत्रकार लोग साथ नहीं देंगे,
गणमान्य नागरिक साथ नहीं देंगे, व्यापारी लोग साथ नहीं देंगे, तब तक अकेले ही पुलिस के दम पर इसको सरल और सुगम बनाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सभी की जिम्मेदारी है कि टीकमगढ़ शहर की ट्रैफिक व्यवस्था अच्छी हो, तो इसमें सभी की सहभागिता होना चाहिए और होगी तो हम जल्दी अच्छा कर पाएंगे। मैं यही। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।